देश में पीएम मोदी को अवतार मानकर उनकी पूजा करने की कई खबरें आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन अब एक नया मामला यूपी से आया है जहां अखिलेश को भगवान विष्णु का अवतार बताकर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ये अखिलेश के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है या कुछ और, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये परिवार यूपी में अखिलेश की जीत के लिए प्रार्थना जरूर कर रहा है। अब इस परिवार की कामना पूरी होती है या नहीं, ये तो चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल इस बार अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टियों के समर्थक अपने अलग अलग अंदाज में पार्टी को जिताने के लिए तमाम तरह के जतन और पूजा पाठ करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा में सामने आया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अपने घर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की फोटो भगवान के बराबर रखकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी है। ये पूजा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक जारी रहेगी। रामलखन का पूरा परिवार अखिलेश की तस्वीर मंदिर में रखकर पूजा कर रहा है। ये पूरा मामला बाराबंकी जनपद के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के गांव काकरिया का है। यहां पर एक परिवार ऐसा भी है जो सपा मुखिया अखिलेश यादव को भगवान विष्णु का अवतार बता रहा है। इन लोगों ने भगवान विष्णु के बराबर तुलना करते हुए अखिलेश यादव की फोटो की पूजा पाठ अपने घर में शुरू कर दी है। महिलाएं भी इस पूजा पाठ में शामिल है। उनका मानना है कि भगवान विष्णु अखिलेश यादव के रूप में कलयुग में आए हैं और उनकी सरकार बनना इस बार चुनाव में तय है। जब तक उनकी सरकार नहीं बनेगी तब तक इस घर में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की पूजा होती रही। उन्हें विश्वास है कि अखिलेश की सरकार बनेगी तभी प्रदेश का कल्याण होगा। इस परिवार के लोगों का मानना है कि कलयुग में अखिलेश भगवान विष्णु का दूसरा रूप है। अखिलेश यादव ने लोगों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसीलिए इस परिवार ने अखिलेश यादव को भगवान मान लिया है और भगवान के बराबर उनकी फोटो रखकर बाकायदा पूरे विधि विधान से धूप अगरबत्ती के साथ में उनकी पूजा हो रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।